नमस्कार, आज है 19 नवंबर, यानी कि ट्रेड फेयर आज से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, महिलाओं की लाइन अलग लगी हुई है, पुरुष की लाइन अलग लगी हुई है। लगभग 1, 2, 3, 4, 5 गेट यहां पे बनाए हुए हैं, आपको हम दिखाना चाहेंगे। और अब हम लेकर चलेंगे आपको ट्रेड फेयर के अंदर, और ट्रेड फेयर के अंदर इस बार क्या नया आपको देखने को मिलेगा वो दिखाएंगे आपको। तो हम ट्रेड फेयर के अंदर एंट्री कर चुके हैं। आपको बता दें, यदि आप इंडिया इंटरनेशनल 2019 का ट्रेड फेयर देखना आने चाहते हैं तो बुक माई शो पर आपको टिकट बुक कर सकते हैं। और दूसरी बात आपको बड़ी बता दें, यदि आप सोचते हैं कि प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन पर हमें टिकट मिल जाएगा तो प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन पर टिकट नहीं मिलेगा आपको। इसके अलावा इस रूट के जितने भी मेट्रो स्टेशन है वहां पर टिकट मिल सकता है, मगर प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन पर आपको टिकट नहीं मिलेगा। देख सकते हैं गेट नंबर 10 से जैसे ही आप एंट्री करेंगे, लेफ्ट साइड में आपके, यानी कि बाएं साइड में आपको मिलेगा स्वास्थ्य हेल्थ चेकअप कैंप, जिसमें आपको शुगर, बीपी और बीएमआई की जांच मुफ्त करने को मिलेगी। आपको बता दें, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से कैंप लगाया गया है। सेल्फी पॉइंट्स तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आपको आज एक यूनिक सेल्फी पॉइंट हम दिखाना चाहते हैं। जय जवान जय किसान की बात भारत देश में होती है। आप देखिए, हमारे देश में ट्रेड फेयर में गेट नंबर 12 के पास ये कमांडोज, कोबरा कमांडोज स्पेशल फोर्स होती है, ये लगाए गए हैं। और इनके साथ आप आइए, सेल्फी खिंचाइए। बहुत क्रेज है जनता में, आप देख सकते हैं लाइन में जनता लगी हुई है, इतना क्रेज है जनता के अंदर। सर, कैसा लग रहा है आपको इस बार की एक सेल्फी पॉइंट दिया गया है, जो आप कमांडोज के साथ सेल्फी खिंचा सकते हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। उसके साथ साथ हमें अपने सीआरपीएफ का बलिदान भी साथ में नजर आ रहा है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा लग रहा है। जी सर। मैम, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक बार बोल दीजिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, सीआरपीएफ की भी जय। देखिए, ये सीआरपीएफ का एक अलग से फोर्स है, कोबरा कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, जो कि नक्सल से लड़ रही है, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अपना कार्य कर रही है, और वर्ल्ड की बेस्ट कमांडोज हैं। लोगों को जागृति पैदा करने के लिए कि सीआरपीएफ नक्सल एरिया में या दूसरे एरियाज में क्या कर रही है, ये बताने के लिए हमने यहाँ पर सेल्फी लगाई है। सेल्फी का मतलब ये नहीं कि खाली एक कमांडो के साथ फ़ोटो खिंचवाई और डीपी बना ली। यहाँ पर हम बता रहे हैं कि ये कमांडोज कौन से कमांडोज हैं, कैसे काम करते हैं, ताकि लोगों को पता लगे कि हमारी अपनी सीआरपीएफ कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम कर रही है। उसका केवल मेन पर्पज़ यही है, लोगों में सीआरपीएफ के प्रति और देश में हम कितनी सेवा कर रहे हैं उसके प्रति अवेयरनेस पैदा करना। आज हमारे जवान जो हैं वो डटे हुए हैं और बरकरार होकर काम कर रहे हैं, तभी हम लोग यहाँ चैन से घूम रहे हैं, वरना हम लोगों का भी जीना हराम हो जाता। तो हमें, आई हैव टू सैल्यूट देम, आई हैव टू गिव अ सैल्यूट। मेरी 62 साल की उम्र में आज तक इन्होंने हम लोगों पर कोई आँच नहीं आने दी, और जिन लोगों पर जो आँच आई है हमारे भाइयों के ऊपर, हमारी बहनों के ऊपर, हमें उसका दुख है, लेकिन हमारे जवान हैं उस पर फख्र है हमें कि उन्होंने कभी अपनी परवाह नहीं करी, अपने घर वालों की परवाह नहीं करी, अपने बच्चों की परवाह नहीं करी। जबकि हम सिविलियन हैं, हमें हर बात में घर जल्दी पहुंचना है, बीवी चिंता कर रही होगी बच्चों का क्या होगा, उनके भी तो बच्चे हैं, उनकी भी बीवी हैं, लेकिन वी हैव टू सैल्यूट देम फॉर वॉट एवर दे हैव डन एंड दे आर डूइंग, एंड देर इज़ नो मैच। पूरे दुनिया में हमारी आर्मी का, हमारी फौज का कोई मैच नहीं है, देयर इज नो मैच। तो हमारे लिए, हम तो जो भी कुछ कहें वो बहुत कम है, कम शब्द हैं, बल्कि हमारे शब्द, हमारे अल्फाज ईश्वर का हैं। हमें माँ सरस्वती इस वक्त हमें और अल्फाज दे कि हम कुछ और कह सकें। ये हमारे एक, हमारे लिए जो है ना, मन में हमारे खेद रह जाएगा कि हमें मौका मिलते हुए भी हम वो ना कह सकें जो अंदर भीतर ही भीतर उमड़ रहा है। सर, मेरा नाम मोहम्मद मुशरफीन है, और मुझे बहुत अच्छा लगा देश के जवानों के साथ फोटो खिंचवा कर, बहुत अच्छा लगा। मैम, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मोहम्मद तारिक नाम है मेरा जी, और जवानों के साथ सेल्फी खिंचाना मुझे बहुत अच्छा लगा, और जवानों की ये बहादुरी पराक्रम के वो देख कर मुझे बहुत अच्छा लगा। जय हिंद जय भारत।
जी इस्माइल जी, देख देख के लग रहा है कि हाँ हम हिंदुस्तानी हैं, ये देश इन जैसों के बेस पे ही खड़ा है, ठीक है ना। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जय हिंदुस्तान। ये जवानों को जो हौसला मोदी ने आके बढ़ाया है, ऐसा आज दिन तक की भी नहीं देखा है। और जवानों ने जो काम कश्मीर में किया है वो सराहनीय है, और आज दिन तक कभी नहीं देखा कि जवानों में इतना हौसला था। आज दिन तक वो लोग हौसला था, लेकिन राजकीय इच्छा शक्ति अपनी बहुत कम थी, इसके लिए दे वेर हेल्पलेस, और नाउ दे कैन डू एनीथिंग एंड वी होप कि वी विल सी द कश्मीर दैट वाज द ओरिजिनल कश्मीर विथ अस। आप क्या कहेंगे मैम? आप सब कुछ अच्छा, कश्मीर आप लोग गए हैं कभी? यस सर। तो इस फैसले के बाद, जब ये फैसला आया 35 से धारा 370 35 है, उसके बाद आप कश्मीर गए? नहीं, उसके बाद नहीं। डर लगता है? जाना चाहेंगे? 101% डर क्यों लगता है? देश है हमारा, देश के अंदर हमारा राज्य है कश्मीर। वो सही बात है, फिर भी से हम लोग डरते हैं। फिर भी वहाँ मिलिटेंट है आज के दिन में भी, और वी डोंट नो द भौगोलिक पोजिशन ऑफ द कश्मीर, सो वी मे बी ए विक्टिम ऑफ दैट। हमारी सेना के लिए क्या कहना चाहेंगे? सेना के लिए कुछ मेरे पास वर्ड ही नहीं है उसके लिए क्या बोलना, उसके जज्बात के लिए, और उन लोगों ने जो काम किया उसके लिए, और उन लोगों ने जो सेक्रीफाइस दिया है, आई हैव नो वर्ड टू से एंड आई सैल्यूट ऑल ऑफ देम। आई ऑल्सो सैल्यूट। थैंक यू मैम। आज से खास मेहमान दिल्ली में ट्रेड फेयर देखने के लिए आए हैं, और इन मेहमानों से बात करेंगे। मैम, कैसा लगा आपको इस बार का ट्रेड फेयर? सबसे बड़ी चीज कि जो सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जवानों का सेल्फी पॉइंट, कोबरा यूनिट का सेल्फी पॉइंट, तो ये आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, अच्छा लगा। स्टेचू जैसा लगता है, पर रियल में है। अच्छा, हाँ, अच्छा। बहुत मेहनत करते हैं ये जवान। हाँ, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा देश की रक्षा करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा? ये अच्छा है, मैं तो बढ़िया टाइप का कॉन्सेप्ट है। पहली बार आए दिल्ली में, और मतलब आपने फोटो खिंचाई उनके साथ, सेल्फी खिंचाई? हाँ, खिंचाई। यानी कि डिजिटल इंडिया, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया की तरफ हमारा देश जा रहा है, तो ये डिजिटल इंडिया का ही एक पार्ट है, वन ऑफ द पार्ट ऑफ द डिजिटल इंडिया। नरेंद्र मोदी जी का काम कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा लगा। और जिस तरीके से इस बार ऐतिहासिक फैसला राम मंदिर पर भी आया, तो उससे खुश है? बहुत अच्छा लगा, वो फैसला तो बहुत अच्छा था, सबके लिए अच्छा था, थैंक यू। जिस तरीके से CRPF का एक कैंप लगाया हुआ है ट्रेड फेयर के अंदर, देखिए प्रदर्शनी लगाई गई है। आपको बता दें कि ये सभी हथियार हैंडमेड, यानी कि गोले जो भी हैं, सब ओरिजिनल हैं। ये देखिए सब सामान यहाँ पर सेना का जो भी प्रदर्शनी के अंदर लगाया गया है, कोई भी आर्टिफिशियल सामान नहीं है, सब ये सामान ओरिजिनल है। देख सकते हैं कि रियल प्रदर्शनी लगाई हुई है। ये देखिए आप, सभी बैकअप वेपन्स यहाँ पर लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं। जनता के अंदर, आम आदमी के अंदर भी एक क्रेज है, आम जनता के अंदर भी क्रेज है इनके बारे में जानने का। लोग आ रहे हैं लाइन में लगकर, वेपन्स को देख रहे हैं, प्रदर्शनी को देख रहे हैं, और इनकी फोटोज भी ले रहे हैं।